हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी खुश रखे, स्वस्थ रखे, हमारी यही प्रार्थना है माता रानी से। तो दोस्तों, जैसे सुबह सो के उठी तो आप सभी के साथ ये नज़ारा शेयर कर रही हूँ। यहाँ का मौसम आप सभी देख सकते हैं, और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है दोस्तों, 6 बज रहा है। और बाकी जो है मेरा घर आंगन की साफ़ सफाई हो गया था। और आप लोग सोचेंगे कि भाभी अभी स्वेटर वगैरह क्यों नहीं पहने हैं, तो साफ़ सफाई क्यों ना दोस्तों, तो इसलिए झाड़ू को वॉश कर रही हूँ। और मुझे जो है साफ़ सफाई करने के बाद ना गर्मी सी लगने लगा था, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी में मैं सारा काम जो है कर लेती हूँ। जितना भी बर्तन है मेरा रात का, सभी बर्तन को लेके जाऊँगी नलका पे और सभी को वॉश करूँगी। तो इसीलिए स्वेटर और टोपी वगैरह जो है मैं खोल ली हूँ, ट्रोज़र वगैरह। और दोस्तों, यहाँ पे मैं चूल्हा को लिपाई कर रही हूँ, तो सिर्फ़ चूल्हा ही लिपाई करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिपाई करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अभी मत नहाओ, इतना मौसम ख़राब हो रखा है। तो लेकिन सुबह सुबह नहा लेती हूँ ना, तो एक झंझट सी रहती है दिमाग में कि नहाऊँगी नहाऊँगी, आलस करूँगी तो नहाना नहीं होगा। इसी वजह से मैं आलस नहीं करती हूँ, सुबह में नहा लेती हूँ तो मेरा जो काम है लगता है कि हो गया है पूरा कंप्लीट। नहीं नहाती हूँ तो ऐसे ही मन हुआ ये करके रहता है। और दोस्तों, जितना भी बचा हुआ खाना होता है, तो हमने बतख जो पालन किए हुए हैं, तो बतख को खाना डाल देती हूँ। उसके बाद जो है जितना भी बर्तन है मुझे वॉश करूँगी। और आज जो है ना साथ में हेयर वॉश वगैरह भी करूँगी। 2 दिन से मौसम ख़राब था, हेयर वॉश नहीं की थी, और सरसों के तेल भी लगाई थी, मेरे सर में दर्द था इस वजह से। तो आज जो है हेयर वॉश करूँगी, फिर नहाना वगैरह जो भी है। ठंड के मौसम में तो नहाने में बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं नहाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो है ना दोस्तों मजबूरी है, मैं जब तक नहाती नहीं ना तो पूजा पाठ नहीं होता है मेरा, और नहीं होता है पूजा पाठ तो चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा मजबूरी है, तो इसलिए। और मैं पूजा पाठ करने के बाद चाय वगैरह पीती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से, और कोहरा कितना सारा देख सकते हैं लगा हुआ है, पूरे मौसम जो है ना ख़राब है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, आज की जो ब्लॉग है हमारी, आप सभी के साथ शेयर करी हूँ, तो क्लोथ वॉशिंग, ब्लैंकेट वॉशिंग मैं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं ना, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कितने दिनों से सोच रही थी कि ब्लैंकेट वॉश करूँगी, जो भी मैं साड़ी वगैरह पहन के वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो सभी साड़ी सब जो है ना वॉश करना था, लेकिन नहीं कर पा रही थी मौसम ख़राब होने के कारण। सूखता ही नहीं तो क्या करूँगी साफ़ करके। तो आज जो है जैसे ही मौसम अच्छा हुआ, खाना पीना खा के फिर मैंने ब्लैंकेट वॉश की और साड़ी वगैरह वॉश करी। तो आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं, तो प्लीज़ फुल वॉश ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में नहा रही हूँ, और मन में ऐसा लग रहा है कि अब बॉडी पे कैसे पानी डालूँ। हस्बैंड जी को बोल रही थी मैं यहाँ पे, अब जो है बैठ के सोच रही थी पानी डालूँ, फिर मैं सोची कि नहीं, खड़े होके यूं यूं करके पानी डालूँगी और तुरंत से भाग जाऊँगी। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी में मैं नहाई, और नहाते टाइम ही हस्बैंड जी को बोल दी थी मैं कि मेरे लिए ना थोड़ा सा आग जला दीजिएगा चूल्हे पे। तो हस्बैंड जी मेरे लिए आग जब तक जला दे रहे हैं, और ये देखिए मैं आ गई हूँ, और इतना ठंड लग रहा है ना दोस्तों, क्या ही बताएं। तो हस्बैंड जी यहाँ पे आग जला दिए हुए थे, मैंने लकड़ी वगैरह पहले ही ये कर ली थी चूल्हे के पास, और यहाँ पे हस्बैंड जी आग जला दिए। तो मैं पूरे बॉडी को सेकना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे आग जो है ना पूरे अंदर ये करूँ, क्योंकि इतना ठंड लग रहा है, पेट वगैरह में सभी जगह ठंड लग रहा है, और मेरे मुंह से पूरे भाप निकल रहा है ठंड के वजह से। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि पैर वगैरह डाल के ना पूरे पूरे बॉडी को मैं सेकूँ, इतना मुझे ठंड लग रहा है। और मैं सबसे पहले आग सेकी दोस्तों, उसके बाद मैं तावल लेके आई हेयर
जो है ड्राई करूँगी। और हेयर गीला था ना तो और ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, तो मैं अभी जो है तावल से हेयर को ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद तावल लपेटूँगी ना तभी मेरा जो है ठंडी जाएगा। और फिर से मैं आग सेकने लगती हूँ क्योंकि इतना बॉडी मेरा जो है ना पूरे तरह से ना बर्फ़ समान जो है ना जम गया है। पूरे हाथ वगैरह को पैर वगैरह को अच्छे से मैं सेकूँगी। और मेरा जो कपड़ा चेंज करती हूँ ना तो पेटीकोट जो है मेरा गीला हो जाता है, तो इसीलिए मैं पेटीकोट को उठा के आग में सेकती हूँ। और पेटीकोट गीला रहता है तो पैर वगैरह में चिपकता है ना तो ठंड जैसा लगता है और ज़्यादा ठंड नहीं लगने लगता है। तो इस तरह से हमारा आज का जो है ना दोस्तों इस तरह से मॉर्निंग का रहता है, रोज़ का है, जब से ठंडी गिरा है ना तो इस तरह से मेरा जो है ना रोज़ का ये काम जो है ना हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं पीछे घूम के सेक रही हूँ तो मेरे कमर में दर्द है। क्यों दर्द है दोस्तों बता दूँ आप सभी को, तो मेरे जो बेबी है सीजर से हुआ है इसी वजह से मेरे कमर में दर्द रहता है। और जिसका भी सीजर हो जाते हैं ना तो कमर में दर्द अक्सर हो ही जाता है, इसी वजह से सेक लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और जैसे ही 10:30 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, कपड़ा सब सभी सुखा दी हूँ और मौसम जो है बहुत अच्छे से खुल गया था। और मैं अभी तक स्वेटर लगा के रखी हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे चूल्हे के पास धूप नहीं आते ना इसी वजह से, तो यहाँ पे सावले गिरता है ना, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ स्वेटर लगा के ही रखी हूँ। उसके बाद खाने का मैं तैयारी कर रही हूँ, चावल दाल मेरा हो गया है, दाल में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का और जीरा पचफोरना का मैं ये कर रही हूँ और लहसुन का ही तड़का लगाने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, सिंपल सी हमारी दाल है मूंग दाल। और बहुत अच्छे से इस तरह से बनाती हूँ ना तो सब जो है ना बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि बहुत सिंपल रहता है और बहुत टेस्टी भी लगता है इस तरह से दाल में जब तड़का लगाती हूँ तो। और आप सभी के साथ शेयर करी थी मैं बगिया का रेसिपी, जिसने भी फ्रेंड्स नहीं देखे है ना बगिया रेसिपी हमारी बिहारी स्टाइल में तो ज़रूर जाके देखिएगा, चैनल पे अपलोड है। तो यहाँ पे जो बासी बगिया है हस्बैंड जी के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ, इतना ही बचा हुआ था तो फ्राई कर देती हूँ तो हस्बैंड जी का नाश्ता हो जाएगा। हस्बैंड जी को बगिया फ्राई करके दे दी हूँ, हस्बैंड जी खा रहे हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कद्दू और आलू मिक्स करके मैं बना रही हूँ सूखी भाजी, दाल और सभी ये सब बनाई। और खाना पीना खा के दोस्तों मैं आ गई थी छत पे। छत पे थोड़ा देर 10 मिनट धूप सेकी, धूप सेकने के बाद जो है यहाँ पे मैं जो भी ब्लैंकेट बिछाई थी ना उसको घड़ी करके रखी। फिर यहाँ पे आ जाती हूँ न्यू छत पे। न्यू छत पे हम जो है ना गोभी का जो पत्ता होता है ना फूलगोभी का पत्ता उसको सुखाए हुए हैं छत पे, क्योंकि आप लोग को अजीब लगेगा दोस्तों क्योंकि ये जो है ना हम लोग रेसिपी की तरह यूज करते हैं इस पत्ते को सुखा के, और इसको सिनकी बनाते हैं। सिनकी बना के, और सिनकी आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो हम लोग बना के रखते हैं और पूरे साल में कभी कभी खा लेते हैं इस तरह से। लेकिन बीच में मैं बनाऊंगी ना तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों ये करने के बाद सभी उधर का काम निपटने के बाद आ जाती हूँ ब्लैंकेट वॉश करने के लिए, क्लोथ वॉशिंग आप देख सकते हैं। और ये जो है बाम्बू भी मैं लेके आ गई हूँ कि ब्लैंकेट जो है ना हाथ से तो होने वाला नहीं है दोस्तों, इसी वजह से बाम्बू भी लेके आ गई हूँ। पहले जो मेरा साड़ी है बच्चे का कपड़ा है वो सब मैं अंदर डाली हूँ, उसके बाद ब्लैंकेट। और पूरे ब्लैंकेट तो हिल भी नहीं रहा था मेरे से दोस्तों, फिर मैंने पैर से उसको बोरी और पैर से पूरे दबा दबा के पैर से बकेट में ही घुस गई थी मैं, और दोनों पैर से मैंने उसको पूरे अच्छे से मछली इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। और नलका को पकड़ ली हूँ और हमारा जो हेड पंप है उसको, नहीं तो मैं गिर जाती ऐसा मुझे लग रहा था। अब जो है मैं पूरे इसको जो है अंदर बोर दी है, उसके बाद बाहर निकालती है, बाहर निकल जा। लेकिन इतना ताकत लगाना पड़ता है ना ब्लैंकेट धोने वक्त, बहुत ताकत लगता है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही मुश्किल से निकला बेचारा। अब जो है इसको साइड करती हूँ, बाकी का पहले धोऊंगी कपड़ा। जो मेरा हल्का फुल्का कपड़ा है ना ये धोने में मज़ा आता है, लेकिन जिस दिन ब्लैंकेट वॉश करती हूँ उस दिन तो कमर का जो
कमर का बैंड बच जाता है दोस्तों। अब जो देखिए हमारे जो साड़ी है ना, सभी को इसी तरह से पैर से ही हाथ से मसल मसल के मैं सभी को वॉश कर रही हूँ। और टाइम भी जो है ना ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 बज रहा है, लेकिन टाइम चले जाता और मौसम तुरंत से 4 बज गया तो फिर मौसम जो है ना फिर से शाम होने लगता है। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे वॉश कर रही हूँ और आगे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाई हूँ दोस्तों। आप लोग को अगले वीडियो में भी देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। बाकी का जो काम है इस वीडियो में की हूँ, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, आप लोग को भी देखने को इच्छा नहीं होता है, फिर इसके वजह से मैं 2 पार्ट में करी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं जो है मेरा जितना भी कपड़ा है हाथ से ही मैं मसल मसल के साफ करती हूँ दोस्तों। हाथ पैर से ब्रश नहीं लगाती हूँ, ब्रश लगाऊंगी तो मेरा कपड़ा जो है रुसी वगैरह निकलने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं किसी भी कपड़े में ब्रश नहीं मारती हूँ। सिर्फ जीन्स में, हस्बैंड जी के जीन्स जब रहता है ना उसमें मारती हूँ, बाकी किसी कपड़े में ब्रश नहीं लगाती हूँ। इसी के कारण मुझे हाथ से ही साफ करना पड़ता है और पूरे मैं जितना भी मेरा कपड़ा है इसी तरह से मैं साफ़ करती हूँ दोस्तों। और कंटिन्यू मेरा जो जब भी मैं वॉश करती हूँ तो इसी तरह से वॉश करती हूँ। और अब जो है ब्लैंकेट की बारी आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये बाम्बू जो है उसको मैंने पहले साफ़ करी, उसके बाद लग गई हूँ पहलवान के जैसे लाठी चलाने में। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ब्लैंकेट को जब भी ब्लैंकेट वॉश करती हूँ तो इसी तरह से मुझे करना पड़ता है, बहुत ही ताकत लगता है और इसके लिए ना बहुत ही खाना पीना खा के ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, तो इस तरह से पूरे ब्लैंकेट को मैं करती हूँ वॉश और जैसे होता है वैसे मैं करती हूँ। और मेरे कमर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था तो मैं इस तरह से हाँफ भी रही थी और ऐसा लग रहा था कि कैसे साफ़ करूँ कि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। और काला वाला जो कपड़ा होता है ना, काला ब्लैंकेट वगैरह, तो उसमें जो है ना गंदा ज़्यादा ही दिखता है। तो अब जो है देखिए पानी भी निकल रहा था गंदा गंदा, अब जो है ये सब ये कर लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से फिर भी जैसे हुआ वैसे नहीं मैंने साफ़ किया, बहुत अच्छे से इसको भी साफ़ करी और उसके बाद इसको फैला के अच्छे से पानी वगैरह डाल के और रख रही हूँ बाजू में। और बाकी का जो भी हमारा कपड़ा है सभी को फिर से मैंने सबको एक साथ मसल के खींच दिया और उसके बाद पानी में वॉश कर रही हूँ दोस्तों। और अच्छे से जब तक साफ़ नहीं करती तो मन में तसल्ली नहीं होता है कि अच्छे से साफ़ नहीं होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो पूरे अच्छे से जब साफ़ करने आती हूँ ना तो पूरे अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा साड़ी है सबसे पहले वो सबको साफ़ करती हूँ, ब्लाउज वगैरह जो भी है सभी को साफ़ करने के बाद फिर बाद में लास्ट में मैं ब्लैंकेट वॉश करूँगी। तो पहले साड़ी वगैरह को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लैंकेट वॉश करूँगी। और पूरा जो है दोस्तों मैंने पेटीकोट टक किया था, फिर भी हमारा जो कपड़ा है ना सब पेटीकोट वगैरह जो है ना गीला ही हो गया था, पानी उड़ता है, फिर बड़े बड़े कपड़ा होता है ना तो पानी चिपक ही जाता है, पैर वगैरह में लग ही जाता है। तो पूरे तरह से गीला हो गई थी और ठंड के वजह से भी मैं इस तरह से करी, फिर भी मुझे जो है ना बच नहीं पाई, पूरा गीला हो गया, देख सकते हैं आप सभी। और जितना भी हमारा साड़ी वगैरह है सबको हो ही गया है साफ़ करके। अब जो है ब्लैंकेट वॉश करूँगी और जाऊँगी सुखाने के लिए। वो सब वीडियो जो है आप लोग को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये वीडियो को जो है ना हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों इसी वजह से। और आप लोग ज़रूर देखिएगा जो हमारे ये पार्ट वगैरह है ना सभी को मैं साफ़ करूँगी। अभी बहुत सारा काम है तो मैं करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए। जो भी मेरे प्यारे दोस्त न्यू जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं ना, पूरे वीडियो हमारे वीडियो को देखे हैं, फुल वॉश किए हैं, तो सभी को दिल से थैंक यू सो मच।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में इसी तरह का वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय दोस्तों।